हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सारे भाई बहनों को प्रणाम नमस्कार जय हिंद मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज आवाज वगैरह प्रॉपर है एक बार देख लीजिएगा उसके बाद सेशन को करते हैं शुरू काफी तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़े से लेट हो गए इसलिए तो क्षमा प्रार्थी सभी लोग रेडी है ना चलिए तो अगर हम देखें आज का जो सेशन है वो क्लासिफिकेशन का है तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चलिए चलिए यहां पर अगर देखें आज का जो सेशन है वो क्या है है ना कल का क्लास मिस हो गया था कोई बात नहीं यहां पर अगर हम देखें कि कल का दिन किसने देखा है तो आज का दिन भी खोए क्यों जिस घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों तो हमेशा जो है पॉजिटिव रहना है और अपने लाइफ में यह देखना है कि हम लोगों को जो है क्या पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने में मौका मिलेगा है ना सभी को गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार यहां पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन इसका हिंदी अर्थ होता है वर्गीकरण वर्गीकरण हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण क्या होता है वर्गीकरण इसको समझिए क्लासिफिकेशन होता क्या है इसको समझते हैं ठीक है ना क्लासिफिकेशन होता क्या है इसको समझते हैं वर्गीकरण होता क्या है इसको समझते हैं ये भी तीन प्रकार से होता है नंबर पर आधारित लेटर पर आधारित ठीक है और वर्ड पर आधारित इन तीन पर होता है लेटर पर नंबर पर और वर्ड पर ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो हम लोगों को जैसे इस प्रकार से दे दिया जाता है मान लो पांच तीन सात और नौ अगर हम लोगों को इस तरह से दे दिया और बोला कि इसमें विषम चुनिए इसमें क्या चुनिए क्या हो गई इसमें विषम चुनिए। फाइंड ऑड ठीक है तो आप गौर करो पांच तीन सात सभी जो है प्राइम नंबर है लेकिन अगर इसको देखो तो आप ये कंपोजिट नंबर है ये क्या है कंपोजिट नंबर है तो इस हिसाब से हम क्या देख पा रहे हैं कि अपना जो राइट आंसर है वो डी के साथ चला गया नौ के साथ चला गया समझ रहा है बात को कोई असुविधा वाली बात नहीं यहां पर अगर हम देखें अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसा दिया जाए ए और हम लोगों को बोले कि बताओ इसमें अलग कौन सा है इसमें क्या पूछ दे अलग अलग है है को बोल दे दे अगर ऐसा पूछ दे, तो आप बताओ इसमें अलग कौन सा है कौन सा अलग लग रहा है ए यू -E में आप देख पा रहे हो कि सारे वॉवल्स हैं लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो जे फॉर झारखंड जो है यह आपका क्या है यह आपका कॉन्सोनेंट है इसी वजह से आपका जो राइट right आंसर है वो किसके साथ चला गया बाबू जे के साथ चला गया है ना डी के साथ चला गया कोई असुविधा वाली बात नहीं एकदम क्लियर है एकदम समझ में आ रही है आगे बढ़े ठीक है अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसा दे दे हम लोगों को इस प्रकार से दे दे रांची पटना ठीक है इसके बाद दे दे जयपुर और आगरा और हम लोगों को बोले कि बताइए इसमें अलग कौन सा है इसमें अलग कौन सा है फाइंड ऑड इसमें अलग पूछ दे तो कौन सा होगा रांची पटना जयपुर और आगरा आपको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा तो आप कह रहे हो क्या इसका उत्तर आएगी शर्मा जी आएगी है ना पेशेंस रखिए आएगी तो डी क्यों कह रहे हैं क्योंकि बाकी सभी राजधानी है ना तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा जाएगा नहीं जाएगा जल्दी बोलो मैं पूछना चाह रहा हूं आपको जाएगा या नहीं जाएगा कोई डाउट है किसी को तो बोलिए है।, है ना तो यहां पर क्लियर है तो इस प्रकार से आज हम लोग इस पर कुछ प्रश्न करते हैं और सीखते हैं चीजों को ठीक है आइए पहला क्वेश्चन जैसे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए इसमें विषम चुनना है आपको एक बार इसका उत्तर आप अपने शब्दों में बताएं क्या लग रहा है वॉट कैन बी द राइट आंसर वॉइस वाइब्रेट हो रहा है बच्चे कह रहे हैं वॉइस वाइब्रेट हो रहा है थोड़ा देख लीजिए एक बार चलिए अगर हम इस प्रश्न को देखें इस प्रश्न को अगर समझना चाहें कैसे कैसे बना सकते हैं समझिएगा या तो इवेन ऑर्ड पर हो जाएगा है ना लेकिन जनरली इवेन ऑर्ड पर यह प्रश्न नहीं देगा आपको यहां देखिए एक और दो दो इवेन है और दो ऑर्ड है तो कैसे हुआ ये? क्या खेला है फिर इसमें क्या कहानी हुई है समझते हैं। आप गौर कीजिएगा सात एक आठ और दो दस और आठ अठारह हो गया ठीक है दो एक तीन और नौ बारह और सात उन्नीस हो गया सात दो नौ चार तेरह और चार सत्रह हो गया ठीक है तीन दो पांच सात बारह और पांच सत्रह हो गया तो आप क्या देख रहे हैं बाबू कि ये तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑड में आ रहा है और ये वाला किस में आ रहा है? इवन में आ आ रहा रहा है ओके है है इवन ओके ओके चलिए आवाज यहां से कोई दिक्कत नहीं है 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 ना कोई दिक्कत नहीं है। और अगले में आइए अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यूब जो है वो भी है ओके है ना कि ये आपका अगर देखें तो इक्कीस का आ, किसका हो जाएगा क्यूब उन्नीस का बीस का आठ हजार होता है तेरह का क्यूब है और ये सत्रह का है और ये चलो वैसे भी इवेंट का क्यूब है फिर तो वैसे अगर देखोगे तो है ना ठीक आओ अगले में ये जो प्रश्न इसका आंसर बदलाव क्या लग रहा है लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे इसका आंसर फिलहाल बताएं क्या होगा क्या लग रहा है आपको ध्यान से और आराम से इसका उत्तर बदलाए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप ध्यान से और आराम से बतलाए गुड आफ्टरनून सारे भाई बहनों को हमारा प्रणाम है नमस्कार है जय हिंद है राधे राधे है चलिए अगर हम देखें इस प्रश्न में क्या कहानी है क्या खेला है तो समझते हैं अगर गौर करिएगा तो सात गुना चार अट्ठाईस छ गुना पांच तीस होना चाहिए पर यहां नहीं है आठ गुना तीन चौबीस नौ गुना दो अठारह तो दैट इज आवर आंसर विल गो विस थ्री फोर फाइव क्लियर है बाबू क्लियर है बताओ कोई दिक्कत है तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि रहेगा नहीं रीजनिंग में कोई भी खतरा आप सारे भाई बहनों के साथ हूं मैं हितेश मिश्रा तो यहां पर अगर देखें तो आप देख रहे हो साचों के अठाईस नौ दुना अठारह अटती या चौबीस और यहां पर ऐसा खेला नहीं हो पाया इसी वजह से आपका जो आंसर है वो डी के साथ चला गया ठीक है आइए अगला जो प्रश्न बुआ इसका आंसर देखो तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जरा देखिए और इसका गर्दा उड़ाइए क्या आंसर हो जाएगा जरा समझाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज क्लासिफिकेशन को धुआं धुआं कर दो एकदम आसान प्रश्न है आंसर जो है आप बताएं क्या होगा अच्छा कप्पू जी कुछ क्वेश्चन में होता है दो आंसर आ जाते हैं आप कुछ और सोच रख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है टेंशन नहीं लेना है अगर हम इस प्रश्न को देखें इस प्रश्न को अगर हम समझना चाहें तो देखिए क्या हुआ है। अगर आप गौर करिएगा तो पांच का क्यूब माइनस वन छ का क्यूब माइनस वन सात का क्यूब माइनस वन लेकिन इसमें हो रहा है बाबू आठ का क्यूब प्लस वन दैट इज वाई आपका आंसर जो है डी फॉर डॉक्टर के साथ चला गया अजीत कुमार सूरज विपिन कप्पू ओम प्रकाश क्लियर है ना कोई असुविधा कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी अगर है तो बताइए नहीं है तो अगले प्रश्न में चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं और इसका उत्तर आसान शब्दों में दें क्या होगा क्या लग रहा है और लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपका डिमांड है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे चलिए बहुत फास्ट आंसर कर दे रहे हो तुम लोग बहुत अच्छा लगता है इसी प्रकार से आंसर करते रहें और शिमला है ऊटी है दार्जिलिंग है आगरा है तो आप अगर देखेंगे तो आपका उत्तर जो है डी के साथ जाएगा क्यों जाएगा डी के साथ कारण क्या है सर सभी जो है आप क्या देख रहे हो हिल स्टेशन जैसा है घूमने फिरने का और ये अपना जो है अपना यूपी का एक ऐसा जगह जो सात अजूबों में ताजमहल स्थित वाला शहर है कि नहीं लेकिन हम गए थे यार हमको कुछ उतना मतलब बहुत बस फोटो खिचाए वाला बैठ के वहां पे समझा लेकिन खास हमको नहीं लगा कुछ ठीक है लेकिन भाई अपने देश का विरासत है तो इसको तो आ, मतलब क्या कहोगे चलिए जीवन में एक बार जाना चाहिए चलिए अगला जो बुआ क्वेश्चन है यह हिलसा सार्क बाराकुडा वेल आपको बताना है इसमें अलग कौन सा अगर आप मछली दबा के खाते हैं तो जल्दी आंसर समझ में आएगा नहीं खाते हैं तब पर भी बना लीजिएगा ऐसा बात नहीं है तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा ठंडा लग रहा है कहां तुम रहता है भाई ठंडा लग रहा है बताओ वही शहर में बस जाएंगे हम जाके कौन शहर में अभी ठंडा गिर रहा है चलिए इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें सी कह रहे हैं बच्चे सी नहीं होगा मैं बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप समझिए ये सारी जो मछलियां हैं सार्क बाराकुडा और वेल ये खतरनाक मछलियां और जो हिलसा मछली होता है यह जो है खाने में बड़ा अच्छा लगता है और साथ ही साथ बंगाल में ये ज्यादा पसंद किया जाता है अन्य जगहों पर भी किया जाता होगा ऐसा नहीं लेकिन वहां पर जो है थोड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है तो हिलसा जो है आपका अलग हो गया है ना और पहले बिहार में कुछ जगहों पर ऐसे बनता जैसे चावल को फुला दिए है ना और उसके बाद जो है आ, उसको मतलब एक पहले ओखल आता था, था उसमें ऐसे कूटते थे फिर उसको जो है मतलब पकौड़ी जैसे तुम छानते हो ना वैसे ही उसको आ, रिफाइन में या शुद्ध सरसों तेल में गुड़ के साथ मिलाकर बनाया जाता था तो उसको भी हम लोग हिलसा बोलते थे तो फिश नहीं था वो वो मतलब क्या बोलोगे एक स्वीट्स टाइप का अनरसा टाइप का अगर आप खाए होंगे कभी तो वैसा स्वाद होता था उसमें अगला प्रश्न जो है आपके सामने है मोती मस्जिद सीस महल दीवाने खास और ढाई सॉरी हाँ, संजीत कुमार जी बिहार पुलिस के लिए भी यूजफुल अगर उसमें रीजनिंग आता है तब रीजनिंग शायद नहीं आता हा हाँ बिल्कुल कप्पू वेल मैमल है लेकिन कंसिडर उसको उसी प्रकार से किया जाता है ना कि खतरनाक जानवरों में से इसी वजह से उसमें हम आंसर जो है उसको पहला वाला को रखें हाँ ओम प्रकाश जी सही बात है इसीलिए तो आजकल हम लोग बीमार जल्दी पड़ रहे हैं और का आदमी सब अभी भी 80 साल के बूढ़ा को देखोगे तो मस्त अड्डा पे लाठी लेके चलते हैं और हम तुम जो है ना जाओगे तो लड़खड़ा के गिर जाओगे ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अलग राज्य में और ये तीनों एक राज्य में तो ये किस राज्य में है ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बतलाइएगा हमको ठीक है ना अगला प्रश्न में आते हैं और ये हम देख रहे हैं कि जब कोई चीज रोज रोज खिलाया जाए तो इंटरेस्ट कम हो जाता है तो उसी प्रकार से जब रेलवे की क्लास डेली चल रही है तो तुम लोग जो है एकदम तो हाथ ऐसे हथियार डाल दियो पहला दिन याद है हमको 195 पहुंचे दूसरे दिन डेढ़ सौ पहुंचे तीसरे दिन एक चौथे दिन डेढ़ फिर तो सौ के आसपास रहे फिर पचासी पर टिकने लगे आज तो और कम टॉपिक नहीं पढ़ाना तो बोल दो क्लियर हम तुमको वही पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं mm. मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे अगर मजा आता है तो हाँ बिल्कुल राइट अजमेर बिल्कुल सही है क्या बात है बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन को झेलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक मिनट इसको रुक दो रुको, रुको इसको पहले बनाओ इस प्रश्न को बनाओ टोपी है घूंघट है हेलमेट है पगड़ी है क्या लगेगा प्रैक्टिस ही करवाऊंगा प्रैक्टिस ही करवाऊंगा इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में दें टोपी घूंघट हेलमेट और क्या है पगड़ी क्या लग रहा है उत्तर क्या होगा सर जी आपने बता दिया कि रेलवे के लिए आईटीआई पास होना जरूरी है नहीं नहीं ऐसा नियम आया है कि अब कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आईटीआई आई मांगा जाएगा हम क्यों बताएंगे हम कौन होते हैं बताने वाले हमारा क्या अस्तित्व है हम कौन सा बोर्ड में पदाधिकारी है जो आती है चीजें मार्केट में वो चीज हम आपको बताते हैं है नहीं चलिए अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर आप रूल उनके लिए चेंज मत करिए जो डेली आते हैं नहीं नहीं भाई तुम लोग भी नाराज मत हो जाओ है ना तुम लोग आते रहो तुम्हें से तो हमको मतलब क्या बोलोगे एकदम दृढ़ शक्ति मिलता है कि गर्दा उड़ाकर कर पढ़ाना है, है कि नहीं चलिए इस प्रश्न को अगर देखें तो आप समझो टोपी जो है वो भी सिर पर ऐसे लगाया जाता है हेलमेट जो है वो भी सिर पर ऐसे लगाया जाता है पगड़ी भी सिर पर ऐसे लगाया जाता है बट घूंघट सिर ढकने के लिए साथ साथ चेहरा ढकने के लिए नहीं घूंघट क्या होता है चेहरा घूंघट की आड़ से सुना है कि नहीं गाना तो यहां पर क्या है घूंघट जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है बाबू कोई दिक्कत है तो बताओ कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई तकलीफ आगे बढ़े बहुत अच्छा सिंह साहब बहुत अच्छा आप थोड़ा पढ़ लीजिए आइए इस प्रश्न को देखिए इसका उत्तर क्या होगा ध्यान से और आराम से इसका आंसर अगर किसी का भी गलत हुआ तो बहुत दुख होगा क्योंकि बहुत बच्चा वाला प्रश्न है सभी लोग इसका आंसर करिएगा बिल्कुल कब जी देख रहे हो आजकल इतना शॉर्टकट चल गया कि एक आदमी लिखा ऐसे नौ और फिर उसमें लिखा दिक्कत तो इसका मतलब सोचो अब एक दिन एक लड़का हमको मैसेज किया के के आर एच हम बोले क्या है भाई हम भी बहुत गूगल किए इसको के के आर एच हम उसको फिर पूछे नहीं रहा गया भाई क्या लिखा है ये बोला इसका मतलब है क्या कर रहे हैं बोले इतना शॉर्टकट मतलब सोचिए कि आदमी इस शॉर्टकट के जमाना में कैसे अब हम लोग देहात के आदमी है इतना नहीं समझ पाते हैं भाई इतना हाईटेक हो चुका है जमाना तो कहने का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया है अब कुछ दिनों में ऐसा व्यवस्था ना हो जाए कि थाली रखा एक के बार मुंह में गया पच गया सब कुछ मशीने कर दे फंक्शन तो ऐसा हो ही गया पंखा भी आदमी आजकल स्विच नहीं मार रहा जाकर रिमोटे से हो रहा तो फिर इसलिए तो देख रहे हो किस स्थिति में मोबाइल के अंदर तो घुस गया पब्लिक जैसे पहले हम लोग बंदर थे ऐसे और फिर सीधा हो हुआ आदमी बने और दोबारा मोबाइल ऐसे कर दे रहा कहीं चले जाओ ट्रेन में आदमी ऐसे मेट्रो में ऐसे हवाई जहाज में ऐसे अपना काम भी कर रहा है तो एक तरफ मोबाइल खुला है सामने में लैपटॉप तो दिमाग को कैप्चर कर लिया हम लोगों को मानते हैं कि नहीं आप लोग चलिए अगला प्रश्न का खेला देखें हाँ इसमें ये अपोजिट है अपोजिट है अपोजिट है ये नहीं है ऐसा इस वजह से है बाबू डी डी फॉर डॉक्टर आपका राइट आंसर है क्लियर है झा साहब कोई परेशानी है देखो हंसी खुशी मोटिवेशन के साथ क्लास करते हैं और जीवन में क्या रखा हुआ है बाकी तो सरकारी नौकरी लीजिएगा नोट कमाइएगा मम्मी पापा का जो है सपना पूरा कीजिए साथ में अपना भी सपना पूरा कीजिए है कि की नहीं आइए अगला प्रश्न आते हैं और इसको देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर सही होना चाहिए मिजोरम है सिक्किम है कोहिमा है मणिपुर है और इसके साथ एक ट्रिक सिखलाएंगे जिससे आप याद रखेंगे सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम इसका उत्तर बतलाइए और जो अलग है वो क्यों अलग है कहां का कैपिटल या क्या है वो बताइएगा सी बिल्कुल सही है सी आपका राइट आंसर है बहुत बढ़िया कहां का राजधानी है भाई कोहिमा जो है वो कहां का राजधानी है बताए बहुत अच्छा आंसर कर रहा सब जीके में ये लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ता है जीके लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ता है हमको भी जी के शुरू करना पड़ेगा इसको याद रखने का तरीका हमने कहीं पढ़ा था सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया जो अपने नॉर्थ ईस्ट के है ना उसको याद रखने का तरीका एटीएम आना मम्मी इससे तो जैसे ये हो गया उधर क्या असम और फिर ये त्रिपुरा पकड़ लो मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मणिपुर हो चुका है ना एक बार तो ये मिजोरम हो गया मणिपुर हो गया तीन तीन कैसे आ गया मेघालय एक छूट गया दोबारा सुनो असम त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम अब भाई हम जीके मास्टर नहीं है लेकिन इतना याद है ठीक है, है तो इससे याद रहेगा आपको एक ट्रिक है आपको सेवन सिस्टर स्टेट्स स्टे ऑफ इंडिया याद रखने का उसमें अगर कोई एक बाहर है मान लो तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा सेवन सेवन ऑफ स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं है तो इसके थ्रू याद कर लेना और निकाल लेना फिर है ना हा राजेश कुमार जी आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं गुप्त वंश नंद वंश मौर्य वंश चोल वंश इसमें अलग कौन सा है बताइए इसमें अलग कौन सा है आप लोग आंसर करें हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां रिपीट सॉरी पूछा जा रहा है आपको क्या लग रहा है एक बार बताइए जरा सा चलिए अगर इस प्रश्न को देखें चोल वंश जो है दक्षिण से है और बाकी सब नॉर्थ इंडिया से तो इसी वजह से आपका जो आंसर है वो डी के साथ चला गया डी फॉर डॉक्टर के साथ चला गया क्लियर है बाबू कोई दिक्कत को कोई परेशानी कोई तकलीफ अगर हो तो बता सकते हैं और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे मजा आ रहा है अगले में चलें हाँ बहुत अच्छा गुप्ता जी बहुत बढ़िया मुस्कान कुमारी कोई बात नहीं इसमें सॉरी की बात नहीं है धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग सीखने ही आए हैं ठीक है और क्लास अगर अच्छा लग रहा हो सारे भाई बहनों को तो एक बार ठीक है लिख दो या ओके लिख दो या थम्स अप कर दो अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ कि हाँ अच्छा चल रहा है बढ़िया आगे इस प्रश्न को देखो तो बाबू क्या होगा क्या लग रहा है फॉर देवसेना हो गजब चलिए इस प्रश्न को अगर देखें बाबू हारमोनिया एक बच्चा लिखा हारमोनिया भोजपुरी गाना सुनता नहीं रहे रे वहीं से ही वर्ड उठाया है तो देखो वीना को भी अगर देखोगे होल्ड किया जाता है फिर हम लोग उसको प्ले करते हैं सितार को भी वायलिन को भी लेकिन अगर हारमोनियम देखिएगा तो जमीन पर रख के तो इसी वजह से आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा हारमोनियम के साथ ए आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए बाकी आप ऐसे बोल सकते हो कि बाकी सभी तार वाले हैं सभी में स्ट्रिंग है लंबा लंबा तो आपका आंसर इस वजह से ए के साथ चला गया अगला जो प्रश्न बोआ इसका आंसर बतलाइए कमरा है चैम्बर है बरामदा है केविन है क्या होगा क्या होगा क्या लग रहा है बताइए जरा सा बताइए जरा सा क्या लग रहा है तो बच्चे कह रहे हैं सर सी हो जाएगा क्या बात है बहुत अच्छे गौर कीजिएगा गुरु हुआ क्या कमरा जो है भी बंद रहता है चैंबर जो है ये भी है। जो है, ये भी भी क्लोज क्लोज रहता रहता है 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 केबिन जो बरामदा हम लोग किसको कहते हैं गांव सब में रूम है ना तो रूम के सामने यहां वहां ओपन एरिया रखते हैं लोग ठीक अब तो शहर में इतना सा जमीने खरीदते हैं उसमें कहाँ ओपन रखेंगे तो गांव सब में जैसे ई कमरा हुआ कमरा के सामने ओपन एरिया यहां वहां जहां हम लोग चौकी लगा के मस्त बैठते हैं सब घर वाले अपना चर्चा होता है और उसके आगे आंगन ठीक है तो वो जो ओपन एरिया होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बरामदा तो वही अपना राइट right आंसर हो गया क्लियर है बाबू कोई असुविधा नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई परेशानी नहीं चीजें ओके हैं मस्त हैं जबरदस्त हैं जिंदाबाद हैं आगे बढ़ जाएं अगले में चल जाएं क्या बात है बहुत सुंदर बहुत अच्छा अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं क्या होगा ठीक है लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है जरा इसका उत्तर आप अपने शब्दों में दीजिए क्या लग रहा है कैसे होगा और क्या होगा बताइए सर साइंस कब से होगा साइंस होगा तीन अक्टूबर ट्यूजडे से ठीक है पंखुड़ी कह रही है हमरे हमरे में हमारे में बाड़ा बाड़ा बोलते हैं अच्छा ठीक चलिए कोई नहीं समझ गए ना जो हमारा भाव था समझाने का मेन चीज यह है चलिए इस प्रश्न का खेला देखें क्या है इसको समझने का प्रयास करता है गौर कीजिएगा यह है उन्नीस और यह है नौ दोनों को देखें यह हो गया 28 यह है ग्यारह यह है सत्रह दोनों को देखें यह है अट्ठाईस यह है तीन यह है पच्चीस दोनों को देखें यह है अट्ठाईस यह है तेरह यह है ग्यारह दोनों को देखें यह है चौबीस अपना जो उत्तर है बाबू वो सी के साथ चला गया सी फॉर कैट आपका राइट right आंसर हो गया आजकल तो भाई आदमी बिलाए भी पाल रहा है है ना हवाई जहाज में भी लेके जा रहा है इंसान का वैल्यू नहीं है लेकिन हम ही नहीं कह रहे हैं कि नहीं पालो लेकिन हम एक बात कह रहे हैं है ना चलिए अगला जो क्वेश्चन है मिक्स से शुरुआत है इसको शब्द कोश के अनुसार सजाइए शब्द कोश के अनुसार सजाइए क्या लग रहा है उत्तर बतलाइए क्या लग रहा है क्या हो जाएगा आशीष वो जब आएगा तब हम लोगों को पता चलेगा ठीक है हाँ वैसे भी बोल सकते हैं सौरभ यू आर राइट अपोजिट करके घटा दिया वैसे घटाया नहीं था शायद बढ़ाया था ना बढ़ाया इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले कौन आया एम बी एम बी एम बी तो एम बी आई जी है ना जी के बाद यू जी के बाद यू फिर आई तो पहले तो यहीं से शुरू होना चाहिए इसका मतलब तीन के बाद फिर दो हो जाएगा है ना फिर ये हो जाएगा तो मतलब तीन दो एक हो जाएगा ये खत्म है ये खत्म है ये खत्म है तो सी आंसर हो गया सी आपका राइट आंसर है क्लियर है बाबू ठीक है बहुत सुंदर आइए इस प्रश्न को देखिए जरा मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटा का भाई है मंच पर आदमी रीता से कैसे संबंधित है बताइए जरा अच्छे से बताइए क्या लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में दें पहले हम लोग देते थे एग्जाम तो ऊपर में निर्देश लिखा रहता था, था ना आप अपने शब्दों में दें चोरी नहीं करना हसबैंड ठीक हसबैंड फॉर्म क्या होता है <गगँग> पति देव हिंदी हो गया उसका नहीं चलिए यहां पर कह रहा मंच पर एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे देखो मेरे किसके लिए आ रहा है रीता के लिए मेरे किसके लिए आ रहा है रीता के लिए यह है रीता वह मेरे पति इसके जो पति हैं की पत्नी मतलब खुद रीता की बेटी की बेटी का भाई है ठीक है व्यक्ति जो था उसके बारे में बात हो रही है प्रश्न ये है मंच पर आदमी रीता से कैसे संबंधित है यह जो बंदा है यही मंच पर था तो ये बेटा हो जाएगा ना जी कौन हो जाएगा बेटा हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत है कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्लियर है ये कोई असुविधा है तो बताइए कोई परेशानी है तो बताइए कोई तकलीफ है तो बताइए बढ़िया समझ में आ रहा है मजा आ रहा है जबरदस्त देखो एक बात तो समझो एक चीज में बंध के नहीं रहो अगर तैयारी कर रहे हो अगर तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग मैथ्स जीके, जीएस करंट अफेयर ये सब पढ़ ही रहे हो इतना तो तुम्हारा तैयार है अब कोई भी परीक्षा अन्य जो आता है उसमें अगर कुछ ऐड हो गया मान लो उस स्टेट का करंट अफेयर या उस स्टेट का जीके मान लो कि हिंदी ऐड हो गया मान लो अन्य कोई और सब्जेक्ट ऐड हो गया तो उतना सा और ऐड ऑन करना होगा तो आप जो है उस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपका तैयारी अच्छा है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा और एक बार उस एग्जाम को निकाल दीजिए और फिर जो आपका मेन टारगेट है उस टारगेट को क्या करिए अचीव कर लीजिए है कि नहीं अब ऐसे समझिए कि एक जो लड़का है एक लड़का है एक बच्चा दसवीं पास किया एक स्टूडेंट ने टेंथ पास किया टेंथ पास करने के बाद ये तैयारी करने के साथ ही लग गया मान लो एक दो साल के अंदर एम की नौकरी मिल गई उसको या जीडी के थ्रू सेलेक्ट हो गया ठीक है अब मानते हैं कि बहुत बड़ा नौकरी नहीं लिया इसने लेकिन ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से क्या हुआ वो स्वतंत्र हो गया अब वो उतना पैसा कमा पाएगा कि जिसके थ्रू वो अपने जीवन को थोड़ा बहुत चला सकता है अच्छे से साथ ही साथ कुछ सोच सकता है इसके अलावा एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगा कि भाई मंडे टू फ्राइडे सरकारी नौकरी वो कर रहा है ज्यादा से ज्यादा जहां सैटरडे खुलता है सैटरडे तक और उसके बाद जो टाइम है अगर सही यूटिलाइजेशन करेगा तो ओपन जो आजकल ओपन से क्या कर सकता है ट्वेल्थ भी कर सकता है ओपन से वो ग्रेजुएशन भी कर सकता है है ना ओपन से वो और आगे जा सकता है तो इस तरह से ओपन जो है ओपन मतलब जो इंदिरा गांधी इग्नू जिसको आप कहते हो उस तरीके से तो वो क्या कर लेगा आप पैसा भी कमाया साथ साथ अपना एजुकेशन भी पूरा किया और बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वहां से भी आगे बढ़ा है कि नहीं अब एक बच्चा हम मानते हैं कि सीधा वो ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद ही उसने तैयारी की और सीजीएल क्रैक किया या सीपीओ या जो भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है घर का तो आप ऐसे कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं कि एक छोटा नौकरी कोई भी पकड़ लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए और उसके बाद अपनी तैयारी को भी जारी रखे है कि नहीं लेकिन पैसा क्या है जब देखते हैं तो दल दल है वो फिर फंसते जाता है आदमी उसमें उससे निकलना भी बहुत मुश्किल है फिर आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी ये खरीद लें ये खरीद लें ये मोबाइल ले लें ये घड़ी ले लें ये चश्मा ले लें ये पेंट ले लें ये जींस ले लें तो वहां से फिर निकलना पड़ेगा उसको थोड़ा संतोष अपने अंदर लाना पड़ेगा है कि नहीं तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा लेकिन आपके एजुकेशन के हिसाब से आपके तैयारी के हिसाब से कोई भी वैकेंसी आती है चाहे पांच सीट क्यों नहीं है भरिए एग्जाम दीजिए नौकरी निकालिए आपको देखिए आनंद आएगा ठीक है ना क्योंकि फिर समय जब चला जाएगा ना तो उसको लौटाने वाला किसी का कीमत मतलब कोई लौटा ही नहीं सकता और फिर एक जैसा एनर्जी भी हमेशा नहीं रहती है हम जितना मान लो साल दस साल पहले एकदम तो चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के बारह बारह घंटे करते थे अभी थोड़ा सा तो उससे कम कर पाएंगे ऑब्वियस है क्योंकि एज के साथ थोड़ा स्टेमिना कम होता है है ना तो ये चीज है आइए अगला प्रश्न जो है इसको देखिए जरा इस प्रश्न का उत्तर बदला क्या लग रहा है कोई नहीं आशीष जी अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए ठीक है देखो प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या भी हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को बना लो और अगर तुम्हारे दिमाग में घुसे तो जान लगाकर तैयारी कर लेना किसी का आंसर अभी तक डी आंसर एक लड़के का आया ठीक है कप्पू का भी दूसरा आया चल इस प्रश्न को देखते हैं क्या होगा सी का पोजीशन अगर देखोगे बाबू तीन है तो यहां चार प्लस एक प्लस उन्नीस प्लस आठ तो उन्नीस आठ सत्ताईस एक अट्ठाईस और चार बत्तीस हो गया डांस इस पे गाना भी आया था ना कौन था कलाकार उसमें देखना सबको याद होगा लेकिन अगर इस पूछ दो कि अपने देश की जो पहली प्रधानमंत्री थी उनका जन्म दिवस कब होता तो याद नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो देखते हैं मेरा बेटा भी है छोटा सा वो भी गाने गुनगुनाता है मैं निकला गड्डी लेके तो हम जो दिन रात सुनते हैं वो इफेक्ट करता है हमारे ऊपर है ना तो या जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो इफेक्ट करता है बोल सकते हो तो यहाँ चार प्लस एक प्लस चौदह प्लस तीन प्लस, प्लस पांच तो पांच तीन आठ और चौदह बाईस एक तेईस और चार सत्ताईस है ना सत्ताइस क्या हो गया राइट आंसर हो गया क्लियर है बाबू कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक अंतर में आपको समझाना चाह रहा था प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में इसको समझिएगा अगर आप समझ जाते हैं ना तो अच्छा रहेगा अब आप सर, आप कहोगे सर भी तो तो प्राइवेट कर रहे हैं तो एक रुचि भी होता है हमारा शुरू से इंटरेस्ट ही था पढ़ाना आज मार्गर नहीं पकड़ा दो हजार ग्यारह में मार्गर पकड़ा था हमने तो ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश या नहीं कुछ हुआ तो पकड़ा ऐसा नहीं बस जैसे लोगों को यहां अपने देश में थोड़ा ये भी दिक्कत है कोई कुछ नहीं कर पाया तो टीचर बन गया जबकि टीचर ही दुनिया को बना रहा है तो एक मतलब प्रोफेशन टीचर का भी लेके चल सकते हैं ठीक है चलिए अब हम ये कह रहे थे प्राइवेट में क्या होता है सबसे जो सबसे बड़ी बात है वो है डेली प्रूफ करना पड़ेगा खुद को यह बात मान लो नौकरी गए ज्वाइन किया डेली प्रूफ करना पड़ेगा डेली एक दिन दो दिन तीन दिन अगर आप नहीं प्रूफ कर पाए तो चौथे दिन क्वेश्चन उठेगा ठीक लेकिन यहां पर अगर एक दिन प्रूफ कर दिए दो दिन प्रूफ कर दिए तो लाइफ टाइम जो है सेट है कोई यहां पर फिर दिक्कत नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिर जाके सोना है वहां पे नहीं लेकिन डेली प्रूफ वाला सिस्टम नहीं रहेगा क्योंकि एक दो दिन तीन दिन आपने अपने आप को प्रूफ किया वो जो प्रूफ एक दो दिन तीन दिन किए हैं उसके पीछे आप दो तीन चार साल मेहनत किए हैं तो हम एक दिन उसको नहीं काउंट कर रहा तो यहां पर सबसे बड़ा अंतर दूसरा अंतर यह आता है ठीक है कि अगर आपकी नौकरी सेमी अर्बन एरिया में है और आपको तीस रुपया मिल रहा है ठीक छोटी नौकरी ही सरकारी कोई कर रहा है सेमी अर्बन एरिया या आप ऐसे समझिए जो टायर टू सिटीज हैं जैसे थोड़ा सा नीचे जैसे दिल्ली उल्ली बहुत महानगर में आ गया आप ऐसे पकड़िए ठीक है रांची या रामगढ़ या दुमका या पटना से थोड़ा हट जाओ गया इस टाइप का सिटी तो यहां पर कोई तीस हजार कमा रहा और ये प्राइवेट वाला दिल्ली में रहके तीस हजार कमा रहा ये थोड़ा अगर भाड़ा पांच से सात हजार देगा ये देगा दस हजार भाड़ा ठीक यहीं पर पांच हजार मार खा गया यहां ये देख रहा चकाचौंध इसका खर्च ऑब्वियसली ऐसे जाएगा ग्राफ तुम रहोगे अपने लेवल पर तो अपने हिसाब से कम से कम कुछ बचा लोगे तीसरी बात यहां पर लैक ऑफ हॉलीडे है ठीक है यहां पर क्या है कि एक फिक्स्ड हॉलीडे है है ना अब मान लीजिए कोई संस्था है जहां पर आप काम कर रहे हैं अब उनके अगर हॉलीडे लिस्ट में उस दिन हॉलीडे है तो मिलेगा नहीं है तो भाई नहीं मिल पाएगा लेकिन सरकारी अगर है तो फिर मिलेगा ही अब जैसे बंगाल की बात कर लें, कभी नौकरी करता दस दिन का सरकारी छुट्टी गवर्नमेंट तो कहने का मतलब तो तो स्टेट होलीडे था अब यहां दिल्ली में हम लोग नौकरी में थे कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक बार प्रूफ करके ले लिए तो लाइफ सेट है चाह रहा हूं और यह बात आज नहीं समझ में आएगा जब आप प्राइवेट में घुसेंगे हितेश सर को याद करिएगा पेट निकाल के आया था और ये बात बोला नहीं निकला नहीं फिट है यार हम अभी ठीक है चलो अगले प्रश्न में आते हैं और इस प्रश्न का उत्तर बताएं थोड़ा मोटिवेशन जरूरी है एकदम सुस्त हो गए आप लोग इसलिए हमने बोला ये बात इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय एग्जाम में नहीं दीजिएगा फटाफट बना लीजिएगा ठीक है देखिए क्या होगा यहां पर अगर देखें पंद्रह माइनस का मतलब क्या है बाबू गुना प्लस का मतलब क्या है यहां पे? माइनस गुना का मतलब क्या है डिवीजन और फिर डिवाइड का मतलब क्या है प्लस तो ये गुना पैतालीस और पांच पचास और माइनस दो कितने के बराबर हो गया तो आपको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए अगले में आइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं बताइए कितने त्रिभुज हैं आसान है बिल्कुल आप लोग जानते होंगे इसका आंसर मुझे ऐसा लगता और नहीं तो एक दिन काउंटिंग और फिगर पढ़ाएंगे वैसे इस सैटरडे को जैसा कि मैंने अनाउंस किया पांच बजे से आपके लिए कैलेंडर का क्लास शुरू होगा जो चलेगा जब तक आप सीख ना जाए डेढ़ घंटा दो घंटा ढाई घंटे में सिखा देंगे अट्ठाईस बिल्कुल सही है कैसे हुआ देखना बाबू समझते हैं इसको जब कभी ऐसा इतना ही सा समझो तुम्हारे पास इतना सा एरिया है बाकी एरिया नहीं है एक दो तीन चार जैसे ही आप देखते हो कि इस प्रकार से आता है सीधा इसका डबल हो जाता है आठ फिर आठ और फिर आठ चौबीस तो यहीं से निकाल लिया नहीं चौबीस यहां से कैसे निकला वाला जो पार्ट है एक दो तीन चार तो चार दो आठ इस प्रकार से तीन और हो गए तो आठ तैयार चौबीस हो गया ठीक है भाई चौबीस हम निकाल लिए इसके बाद क्या कहानी है इसमें गौर कीजिएगा देखिए एक ये एक ये, एक ये एक ही है चार और आ गए तो चौबीस में जब चार और जोड़ दिए आप तो ये कितने के बराबर पहुंच गया भाई ये चौबीस और चार मिलकर कितने हो गए अट्ठाईस तो अपना जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला गया अट्ठाईस के साथ समझ में आ रहा है जी कोई दिक्कत है क्लियर है एकदम बहुत सुंदर आएगी आएगी देखो भारद्वाज जी जो प्रश्न हम आंसर नहीं कर सकते हैं आप उसको पूछा ना करें क्योंकि कारण यह है कि हम तो बार बार यही उम्मीद दिखा रहे हैं आपको भी और हम भी इसी उम्मीद में और पूरा देश के बच्चे इसी उम्मीद में है कि आएगी वैकेंसी क्योंकि चुनाव है अगले साल इस उम्मीद में है हम लोग कि आएगी वैकेंसी क्योंकि 18 19 के बाद भर्ती नहीं आई है इस उम्मीद में है कि आएगी वैकेंसी समझ रहे हैं बात को तो आपसे ज्यादा हमें उत्सुकता है कि आप इतनी तैयारी कर रहे हैं आप फॉर्म भरे हैं, आप एग्जाम दें आप सरकारी नौकरी लें आप रेलवे इंप्लॉय बने और जब हम चलते फिरते कहीं मिल जाए तो बोले कि हाँ गुरु पढ़े थे एक बार हम एयरपोर्ट पर आ रहे थे बेंगलुर से तो एक लड़की दौड़ते हुए हम पढ़ा है आरपीएफ का उसमें वैकेंसी आया था कहने का मतलब यह है कि बस यही है और क्या है आप जब सिलेक्शन लेंगे तो यही मिलेगा हमको और कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा इतना ही क्रेडिट मिलता है है ना चलिए तो सेवा यहीं तक रखते हैं आज ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं आगे एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूं और हमें उम्मीद है कि आप बनाओगे इसमें आयत कितने हैं इसका कमेंट करिएगा आयत आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल है ना आप कमेंट करिएगा और आपका नाम हम लेंगे नंबर इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं और लास्ट में ऑफ दे, दे देता ठीक है इसमें कितने आयत हैं ये कमेंट करिएगा ठीक है बाबू कहीं कोई दिक्कत नहीं बाकी जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे का जो आपका सेशन चलता है फ्राइडे तक तो तीन ही बजे चलेगा लेकिन जो सैटरडे है उस दिन पांच बजे से लेंगे क्लास इसलिए क्योंकि कैलेंडर हम आपको पढ़ाने वाले हैं अच्छे से है ना और बेसिक्स अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लोग जो है पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का आप उसके थ्रू टेलीग्राम के थ्रू उस चैनल पर जा सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं आपको पीडीएफ वहां पर प्राप्त हो जाएगा बाकी हम आपके साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे रहेगा नहीं कोई भी खतरा क्योंकि आपके साथ हूं मैं हितेश मिश्रा इसलिए बार बार बोलते हैं हमारा नाम याद रखना कम से कम नाम में ही जिंदगी है क्या नहीं नौकरी लो उसमें जिंदगी है चलिए सभी को थैंक यू अच्छा एक आंसर भी आ गया अट्ठाईस को एक बार दोबारा काउंट करना बाबू अट्ठाईस को ट्राइंगल अगर बोल रहे हो तो सही है और अगर रेक्टेंगल बोल रहे हो तो एक बार दोबारा ट्राई करना ठीक है ना चलिए थैंक यू